जब 22 तारीख को तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक में उसका असर दिख रहा था। मेरा अपना विश्वविद्यालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय रहा, वो तो मुझे लग रहा था कुछ मामलों में अयोध्या को भी पीछे छोड़ने की होड़ में था। गाना बज रहा है पूरे देश में कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मैं उस गाने को याद करते हुए अपने जननायक को याद कर रहा हूँ कि जब वो दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, विधायक रहने और नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद भी जब इस दुनिया से रुखसत करके गए तो उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं था। कोई कहता नहीं, लेकिन फिर भी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर वो नेता थे जो वाकई 18 घंटे काम करते रहे होंगे और छुट्टी नहीं लिए होंगे। लेकिन ये बात कहे कौन, अब तो खुद ही कहना पड़ता है। जिल्ले इलाही एक दिन देश में भाषण देते हुए कह रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि काश मेरा बचपन भी टेंट में बीता होता। उन्हें पता नहीं कि आज भी इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी टेंट जैसे घर में रहने को मजबूर है और अभी उनकी झोपड़ी तक कोई रोशनी ज्ञान की नहीं पहुंची है। एक ऐसा ही घर बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में हुआ करता था जिसमें पूरे इलाके में पहली बार कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है। बचपन में अगर गोकुल नाई के घर रहने को घर नहीं था तो उनका बेटा सड़क पर भीख मांगने नहीं गया कि 35 साल भीख मांगी कि 40 साल भीख मांगी, पता ही नहीं, पढ़ाई करने निकल गए। किस्सा यह मिलता है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी गुजर गए, उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री होने के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव जाते हैं और देखते हैं कि जो व्यक्ति दो बार बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा हो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है पक्का। और वो देख करके हेमवंती नंदन बहुगुणा अपना संस्मरण लिखते हुए कहते हैं कि मेरे आंख से आंसू निकल गए कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो उसके पास अपना पक्का मकान नहीं है। चौधरी चरण सिंह उस जमाने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक कार्यक्रम के सिलसिले में प्रचार, चुनाव प्रचार के आसपास वो कर्पूरी ठाकुर साहब के गांव गए और जब गांव पहुंचते हैं तो उनका कच्चा जो मकान था वो पुराना था, तो उसका दरवाजा बहुत छोटा नीचा था और चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, थोड़ा कदकाठी लंबी, उनका माथा उसमें टकराया तो अपने पश्चिमी यूपी वाले अंदाज में कहा कि अरे कर्पूरी, थोड़ा दरवाजा तो ऊंचा करवा ले, पक्का मकान बना ले। कर्पूरी ठाकुर पलट कर बोलते हैं कि जिस दिन बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति का मकान पक्का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कर्पूरी ठाकुर को यहां से समझना चाहिए और यह बात तब कही जा रही है जब इस देश में 10 साल सरकार बनाने का मौका मिला तो 7,750 जिले हैं और 900 पार्टी ऑफिस बन चुकी है, कोई 3 स्टार, कोई 4 स्टार, कोई 5 स्टार, करोड़ों रुपए की बनी हुई। और यहां से वो शुरू होता है सिलसिला जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई। वो पहला निर्णय कि मैट्रिक तक की पढ़ाई निशुल्क होगी और अंग्रेजी का पेपर अब कंपलसरी नहीं रहेगा ताकि गांव गस्बे के गरीब कमजोर मजलूम भी, एक विषय फेल हो जाते थे तो डिग्री नहीं आगे मिलती थी और उस जमाने तक अभी फेक डिग्रियां बनना प्रचलन में नहीं आई थी, तो इसलिए उनके पास डिग्री लेने का मौका नहीं था, पढ़ाई का औसत बहुत कम। अलग बात है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने किसी चुनावी भाषण में अपनी गालियों को गिनकर नहीं बताया कि मुझे 90 बार गालियां दी गई, तौल के भी बताया रोज 2.5 किलो गाली खाता हूं, कहीं नहीं बोला कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर ने उसकी प्रतिक्रिया में नारे लगाए कि कदम कदम पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो और सन सो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और वो सारे नारे कर्पूरी ठाकुर ने लगाए, पढ़ने के नारे लगाए, लड़ने के नारे लगाए। कर्पूरी ठाकुर कभी रोए नहीं कि हमारा अपमान। हाँ, कर्पूरी ठाकुर होना बहुत मुश्किल से कोई पैदा होता है। सदियों में से विचारधारा जब तप कर निकलती है तो कोई व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर बनता है, कोई व्यक्ति लालू मुलायम बनता है, कोई व्यक्ति वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू करने वाला नायक बनता है। और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा गाली दी गई तो राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है से आगे बढ़कर, राजा नहीं रंक है देश का कलंक है, वो गाली सुनने वाले नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। दुनिया कोविड से लड़ रही थी और हमारे यहां आपदा में अवसर जब ढूंढा जा रहा था तो 3 कानून पास हुए थे, किसान कानून, किसान सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति। उस नई शिक्षा नीति को लॉन्च करते हुए देश के पीएम ने
लाइव बोला था, आज भी गूगल करके आप सुन सकते हैं कि हम चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो, कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, लोहार का बेटा लोहार बने, नाई बने। उस पूरे भाषण का सेंस यही था और उसका मोटिव यही है कि स्किल जिनके पास है उनको हम डेवलप करेंगे। तो उस तरह पकड़ने की स्किल नाई के पास है तो नाई का बेटा नाई बने। इसलिए गाली दी गई कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। एक बात बताइए, कर्पूरी को गरीबी के नाम पर जाति गाली दी गई या उनकी जाति देखकर गाली दी गई? और जाति देखकर गाली देने वाले लोग किस धर्म के थे, कौन से लोग थे, कहीं उनका रिश्ता उनसे तो नहीं जुड़ रहा जो आज उन्हें भारत रत्न देने के बाद खुशियां मनाकर लेख लिख रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं बस। कर्पूरी ठाकुर जी को, स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, उन्हें याद करता हूं और बहुत शुक्रिया समाजवादी छात्र सभा के उन तमाम साथियों का जिन्होंने ये आयोजित किया है। आज कर्पूरी ठाकुर जी को याद करने का एक मौका हमें मिला है। वक्त बदल रहा है, एक दौर ऐसा है विश्वविद्यालयों का जब दो दिन पहले जिसका जिक्र आदड़ी भाटी जी कर रहे थे, जब 22 तारीख को तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक में उसका असर दिख रहा था। मेरा अपना विश्वविद्यालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय रहा वो तो मुझे लग रहा था कुछ मामलों में अयोध्या को भी पीछे छोड़ने की होड़ में था। बहुत खुश थे लोग, विश्वविद्यालय के भीतर के लोग बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं वो दृश्य इस देश के लोगों के लिए एक सवाल की तरह है कि किसी और धर्म के लिए क्या कभी ऐसा दिन आएगा तो क्या विश्वविद्यालय उस रंग में रंग जाए और लोग रंगने देंगे? तो ये ऐसे वक्त में भी JNU इतना बचा हुआ है, तो इसके लिए मैं JNU के उन तमाम साथियों को भी बधाई दे रहा हूं कि वो कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर ले रहे हैं, वरना ये जगहें तो अब खत्म की जा रही हैं। अब इन जगहों पर कुछ और हो लेकिन विचार वाद विवाद संवाद न हो, या हो तो उन्हीं के मुताबिक हो जो चाहते हैं कि दुनिया एक ही रंग में रंग जाए। गाना बज रहा है पूरे देश में कि मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मैं उस गाने को याद करते हुए अपने जननायक को याद कर रहा हूं कि जब वो दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद विधायक रहने और नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद भी जब इस दुनिया से रुखसत करके गए तो उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं था। जिल्ले इलाही एक दिन देश में भाषण देते हुए कह रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि काश मेरा बचपन भी टेंट में बीता होता। उन्हें पता नहीं कि आज भी इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी टेंट जैसे घर में रहने को मजबूर है और अभी उनकी झोपड़ी तक कोई रोशनी ज्ञान की नहीं पहुंची है। एक ऐसा ही घर बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में हुआ करता था जिसमें पूरे इलाके में पहली बार कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है। और वह किस्सा जब से मैं पढ़ा हूं मैं सोचता हूं कि भारत को अगर आपको देखना हो तो आप कहां से देखेंगे। वो बच्चा जब गोकुल नाई के घर का जो बड़ा बेटा वो पास होता है तो वो इलाके में वो एक पहली घटना थी कि उस वंचित शोषित जमात का कोई बेटा, क्योंकि लड़कियों के बेटियों के पढ़ने का मौके तो और कम थे, जब वो पास हुए तो पेट काट कर एक एक रुपया बचाकर उनके पिता ने मैट्रिक तक की पढ़ाई तो पढ़ा दी लेकिन आगे के लिए एक उम्मीद में अपने ही गांव के एक, जैसे अभी भाटी साहब कह रहे थे, उन्होंने कई तरह के बहुत बारीक, और बद्र आलम जी ने भी बहुत सारे बारीक सवालों पर जवाब दिया है, और भाटी साहब तो आजकल टीवी मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है
कि आप मेरे लिए सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप जैसे लोग वहां खड़े होकर के सोचिए ना, इस देश में टेलीविजन जो कि शुद्ध रूप से विज्ञान के बदौलत चल रहा है, वहां खड़ा होकर के अजीब अजीब सी बातें कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकता है। भाटी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात पहली बार नहीं बोली गई थी, रोज उसी टीवी पर बैठकर ये सब बोलते थे, लेकिन वहां आप जैसा कोई बगल में खड़ा नहीं था जो कह रहा था कि इंसान में भी डाल सकते हो क्या। इतना ही खेल है इस देश में, बस इतनी सी देर है। शायद ऐसा बोलने वाले को वो कभी मौका नहीं देते या बुलाते नहीं, और अगर बुलाते भी हैं तो लोग ये साहस नहीं जुटा पाते कि एक तार्किक वैज्ञानिक सवाल ही पूछ लो ना, आपने कोई अपमान नहीं किया ना, एक तार्किक सवाल पूछा और जोड़ दिया आपने। देखिए, समझदारी और तर्क का कला देखिए, भाटी साहब ने उसकी अगली लाइन में जोड़ दिया कि शहीद जो होते हैं उनके में जान डाल सकते हो कि नहीं, अब बोलो शहीदों के खिलाफ तुम। तो ये तर्क और विवेक है, मुझे लगता है वो कलम और किताब की बहुत बड़ी अहमियत है, तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और आपने वो बात कही कि कोई बड़ी जात छोटी जात नहीं होता, हमने तो इस देश में इतिहास पढ़े कि गालियां बनाई गई थी कि बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से, ये भोजपुरी में हम लोग की तरफ कहा जाता है कि बड़ी जात को अगर समझाना हो तो बात करिए और छोटी जात को समझाना हो तो लात से समझाइए। इसका मतलब इस समाज में बड़ी जात और छोटी जात थी। हम जैसे लोग जो न्याय को पसंद करते हैं, संविधान को पसंद करते हैं, वो इसे नकारते हैं कि नहीं, कोई जात बड़ी और कोई जात छोटी नहीं होती। और ये बात सोच करके कल्पना करिए कि गोकुल नाई जब अपने बेटे को लेकर अपने ही गांव के एक जमींदार सामंती व्यक्ति के पास गए, वो चारपाई पर लेटे हुए थे, भारत को वहां से देखने की कोशिश करिए, बहुत कोई किसी और युग की बात नहीं है, कलयुग की ही बात है और आज से तकरीबन 6-7 दशक पहले की ही बात है, 7-8 दशक हुआ होगा। तो वहां उन्होंने कहा कि बेटे से कि बताओ इनको, जो आराधना भी जिक्र कर रही थी, उन्होंने बच्चे ने जाकर कहा कि मैं मैट्रिक पास हो गया, उस खुशी में कहा कि इसका मतलब मैं काबिल हूं, थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं आगे की पढ़ाई कर लूं। और सामने से आवाज आती है कि अच्छा, मैट्रिक पास कर लिया तो आओ हमारा गोड़ दबाओ, यानी हमारा पैर दबाओ। ये अपमान करने के लिए ये बात कही गई थी कि हमारा पैर दबाओ। गोकुल नाई का वो बेटा कुछ दिनों बाद जब बिहार का मुख्यमंत्री बना तो उसने एक निर्णय लिया कि अब मैट्रिक तक की पूरी पढ़ाई निशुल्क होगी, किसी गरीब के बच्चे को जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होगा कि उसे शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। फर्क इतना ही है। ये आइडिया ऑफ इंडिया को अगर आपको समझना है तो वो गोकुल नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर आपको एक आईना दे रहा है, एक चश्मा दे रहा है कि भारत को एक बार समझ तो लो कि वो कहां से बन के आया, ये किससे वो किससे नहीं है। बचपन में अगर गोकुल नाई के घर रहने को घर नहीं था तो उनका बेटा सड़क पर भीख मांगने नहीं गया कि 35 साल भीख मांगी कि 40 साल भीख मांगी पता ही नहीं, पढ़ाई करने निकल गए। 6 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, घर से 6 किलोमीटर दूर जाना और 6 किलोमीटर वापस लौटना, और ऐसे वक्त जब पांव में चप्पल और जूता कुछ भी नहीं था, तब जाकर के कलम और किताब की अहमियत पहचानी कर्पूरी ठाकुर जी ने। और उतनी दूर जाकर के स्कूल जाए और वापस लौट कर आए क्योंकि कलम और किताब से लोगों का मुस्तकबिल बदल सके। और उन्हें जब मौका मिला देश अपना राज्य चलाने का, चुन करके मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे। दो किस्सा छोटा छोटा बताता हूं क्योंकि आजकल किस्से भी बहुत सुनाए जाते हैं, कोई आपके गांव का प्रधान हो या गांव देश का प्रधानमंत्री, कहानियां खूब गाई जा रही हैं। उन कहानियों में पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जो दस्तावेज में लिखे गए हैं, जो जीवनियां हैं, उन कहानियों से भी जरा भारत को समझिए। किस्सा यह मिलता है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी गुजर गए, उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री होने के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव जाते हैं और देखते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा हो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है पक्का, और वो देख करके हेमवंती नंदन बहुगुणा
अपना संस्मरण लिखते हुए कहते हैं कि मेरे आंख से आंसू निकल गए कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो उसके पास अपना पक्का मकान नहीं है। चौधरी चरण सिंह उस जमाने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक कार्यक्रम के सिलसिले में प्रचार चुनाव प्रचार के आसपास वो कर्पूरी ठाकुर साहब के गांव गए और जब गांव पहुंचते हैं तो उनका कच्चा जो मकान था वो पुराना था तो उसका दरवाजा बहुत छोटा नीचा था और चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थोड़ा कदकाठी लंबी उनका माथा उसमें टकराया तो अपने पश्चिमी यूपी वाले अंदाज में कहा कि अरे कर्पूरी थोड़ा दरवाजा तो ऊंचा करवा ले पक्का मकान बना ले। कर्पूरी ठाकुर पलट कर बोलते हैं कि जिस दिन बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति का मकान पक्का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कर्पूरी ठाकुर को यहां से समझना चाहिए और यह बात तब कही जा रही है जब इस देश में 10 साल सरकार बनाने का मौका मिला तो 7,750 जिले हैं और 900 पार्टी ऑफिस बन चुकी है, कोई 3 स्टार कोई 4 स्टार कोई 5 स्टार, करोड़ों रुपए की बनी हुई। और आज इसी देश में उन्हीं लोगों ने भारत रत्न देने की घोषणा की। हम स्वागत करते हैं, हम इसके तारीफ करते हैं कि आपको याद तो आई, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आपको याद कर्पूरी ठाकुर की आई तो इस भारत रत्न देने का पूरा श्रेय हम कर्पूरी ठाकुर और उनके पूरे संघर्ष को देना चाहेंगे क्योंकि उसी में इतना दम था। कल जो लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे वही आज भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इसलिए इसकी क्रेडिट अगर किसी को जाएगी तो वो इनके संघर्षों को जाएगी और वो संघर्ष क्या थे इसे इस देश में कम से कम याद तो किया जाएगा। वो संघर्ष ये था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे कर्पूरी ठाकुर जी, सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी की थी और लोहिया जी के साथ शुरुआती दौर में नहीं थे, लेकिन जब संसोपा बन गई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो सारे समाजवादी नेता एक हो गए। विरासत में कर्पूरी ठाकुर को उनके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हां हजारों साल से जिन हाथों में कैंची और उस्तरा हुआ करता था उस तरह और कैंची को छीन करके हाथ में कलम पकड़ाई, विरासत में कर्पूरी ठाकुर को केवल वो कलम मिले थे। घर पक्का नहीं, बदन पर कपड़े पूरे नहीं, पैर में जूते नहीं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उस बिहार ने विरासत में एक समाजवादी आंदोलन दिया था जिसने जंगी आजादी के वक्त जब बहुत सारे लोग माफी उफी मांग रहे होंगे या अंग्रेजों का साथ दे रहे होंगे कर्पूरी ठाकुर जेल में खड़े थे। तो ये विरासत बिहार के समाजवादी आंदोलन की थी, वो विरासत समाजवाद की थी और जब समाजवादी विरासत को लेकर के वो आगे बढ़े तो कर्पूरी ठाकुर जब दुनिया से विदा हुए तो विरासत में और कुछ नहीं छोड़ गए, उनके पास कुछ था ही नहीं। भाटी साहब ने भी बताया कि एक इंच जमीन उनके मालिक वो नहीं थे, लेकिन विरासत सपनों और विचारों की थी। भारत रत्न देने वालों को शुक्रिया कहने के बाद हम अगला वाक्य पूछेंगे, उनके सपनों और उनके विचारों पर चलने के लिए एक कदम अगर बढ़ना था तो आज का दिन सबसे अच्छा था घोषणा करने का कि पूरे भारत में हम जाति जनगणना कराएंगे, तब जाकर के कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनता। क्योंकि उनका कद तो इतना बड़ा था कि वो गाली से भारत रत्न पहुंच गए, मगर विचारों का क्या है? विचारों का वही किस्सा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार 52 में चुनाव लड़े और 52 में जब प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो गए, 31 साल उम्र थी और विदेश जाना था उस प्रतिनिधि मंडल को, उनके पास कोट नहीं थी अपनी, पुरानी कोट एक दोस्त से मांगते हैं जो फटी थी। और मार्शल टीटो वहां दूसरे देश के प्रमुख जब देखते हैं कि तुम्हारी कोट फटी हुई है तो जाते आते कोट भेंट कर देते हैं कर्पूरी ठाकुर को। और दूसरा किस्सा 1977 के आसपास का था, जब 1977 के आसपास जब एक समय में पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था जयप्रकाश नारायण जी के पूरे विचार और उन चीजों को लेकर के, तो तमाम समाजवादी लोग वहां इकट्ठा हुए और उस समय कर्पूरी ठाकुर जी 77-78 के आसपास की बात है मुख्यमंत्री थे बिहार के। बहुत लंबा वक्त हो जाएगा उन संघर्षों को अगर मैं आपके बीच सिलसिलेवार रखने लगूं कि कैसे मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचे और क्यों इस्तीफा देना पड़ा, उस सियासत पर फिर कभी बात करेंगे क्योंकि अब तो बात होगी
क्योंकि भारत रत्न के पन्ने अब इतिहास से कैसे फाड़े जाएंगे। तो बात तो होगी कर्पूरी ठाकुर पर, फिर हम बात करेंगे उस सियासत पर, लेकिन उस किस्से को यहां से समझिए। राजनीति के व्याकरण को बदलने वाले लोग जब वहां कर्पूरी ठाकुर बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए तो उनके पैर के चप्पल भी टूटी हुई थी एक तरफ से और बदन का कपड़ा फटा हुआ था। एक समाजवादी नेता ने थोड़ा चुहल करते हुए कहा कि अच्छा एक मुख्यमंत्री को कितना वेतन भत्ता देना चाहिए ताकि उसके तन पर ठीक से लिबास हो। लोग हंस पड़े, लेकिन वो चंद्रशेखर जी जो बाद में चल करके देश के प्रधानमंत्री बने, वो खड़े होते हैं और अपना कुर्ता आगे करके कहते हैं कि भाई कर्पूरी कुर्ता फंड में कुछ पैसा दिया जाए जिससे कर्पूरी ठाकुर को धोती और कुर्ता बनवाएंगे हम। और उससे जब पैसा जो इकट्ठा हुआ, चंद्रशेखर जी जब सौंपने लगे कर्पूरी ठाकुर को, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी इसका धोती कुर्ता ही सिलवाना। और उस पैसे को लेते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि इस पैसे को मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा, बिहार के बेलिबास बदनों पर जिस दिन लिबास आ जाएगा उस दिन कर्पूरी भी नया कुर्ता पहनना शुरू कर देंगे। ये वो वक्त था जब कर्पूरी ठाकुर अपना नाम गुदवा करके 10 लाख का सूट नहीं पहनना चाह रहे थे, उनका कुर्ता फटा था लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों के बदन पर लिबास डालना चाह रहे थे। ये बात हम नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। विश्वविद्यालय में नहीं बोली जाएगी तो सड़क चौराहे पर बात होगी, क्योंकि ये अंतर है। फकीरी कहने से नहीं आती, फकीरी आचरण से आती है, और उस आचरण को अपने व्यवहार में दिखाने वाले जननायक का नाम कर्पूरी ठाकुर है। इसलिए हम कह रहे हैं उनके विचारों का क्या होगा। उनके विचारों का किस्सा तो यह है साहब, मुख्यमंत्री बने तो फैसला लिया। एक वाक्या यह भी मिलता है, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी, और उस समय तक तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे कर्पूरी जी, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा, 90% सवाल उसमें से केवल दो विषयों पर थे, खेती किसानी पर और पढ़ाई लिखाई पर। 90% सवाल कर्पूरी जी के उस पर थे। और उसके बाद लोहिया जी से मिलने आए, उनके साथ एक सज्जन थे, उन्होंने संदेशा भिजवाया। लोहिया जी ने कहा कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, कह दो तबीयत खराब है। कर्पूरी जी समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि लोहिया जी ने उस समय जब गैर कांग्रेसवाद की एक बहार आई, और उस समय बहुत सारी जगहों पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें से एक सरकार यह भी थी, और समाजवादी नेता लोहिया जी कहते थे कि भाई 2-3 काम तो तुरंत आपको करने होंगे, जैसे अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने का एक वादा उन्होंने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो कम जोत के जमीनें हैं, सिंचाई कम है, वहां का लगान लेना बंद कर दीजिए। ये सारी शर्तें रखी, कोई सरकार उस तरह का जोखिम उठा नहीं पा रही थी। कर्पूरी जी समझ गए कि कुछ मामला गड़बड़ है, लोहिया जी वैसे नेता नहीं है कि तबियत खराब नहीं है तो मिल नहीं पाएंगे। कोई कहता नहीं, लेकिन फिर भी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर वो नेता थे जो वाकई 18 घंटे काम करते रहे होंगे और छुट्टी नहीं लिए होंगे, लेकिन ये बात कहे कौन, अब तो खुद ही कहना पड़ता है। उस समय कर्पूरी जी ये बात समझ गए, वापस लौटकर जब बिहार गए तो वो शिक्षा मंत्री खुद थे, उन्होंने पहला काम उसी समय किया, और यहां से वो शुरू होता है सिलसिला जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई। वो पहला निर्णय कि मैट्रिक तक की पढ़ाई निशुल्क होगी और अंग्रेजी का पेपर अब कंपल्सरी नहीं रहेगा, ताकि गांव कस्बे के गरीब कमजोर मजलूम भी एक विषय फेल हो जाते थे तो डिग्री नहीं आगे मिलती थी, और उस जमाने तक अभी फेक डिग्रियां बनना प्रचलन में नहीं आई थी, तो इसलिए उनके पास डिग्री लेने का मौका नहीं था, पढ़ाई का औसत बहुत कम था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी नहीं था। बात ही थी अभी टीवी वालों का आपने इतना इलाज किया, मैं तो बहुत खुश हूं, बार बार याद दिलाता हूं। इसलिए जब दो निर्णय लिए गए तो गांव से पहली बार उन हाथों में कलम और किताब आना शुरू हुई जिन हाथों में हजारों साल से कभी करनी बसुला, कभी कुदाल फावड़ा, और कभी छिनी हथौड़ी, तो कभी कैंची और उस्तरा हुआ करता था। यह वो क्रांति है जो समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की। इससे नाराज हुए लोग, क्योंकि वर्चस्व टूटता है ना, क्योंकि सब पढ़ लेंगे तो सब पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। इसीलिए विश्वविद्यालयों पर इतना हमला इसीलिए किया जाता है ना, सिलेबस बदल दिया जा रहा है। और अब तो नई शिक्षा नीति आई है, भाटी साहब कह रहे थे उस समय कि कैसे स्कूलों के बारे में क्या क्या हो रहा है, मैं तो बताऊं कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में हो गया है।
घुटनों पर बैठकर प्रोफेसर वहां डांडिया नाच कर रहे थे। मैंने वीडियो देखी, मैं खुश हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने मुझे निकाल दिया, वरना यह सब दृश्य देखना पड़ता कि क्या क्या कर रहे हैं यहां के प्रोफेसर। बिछड़े पड़े हैं भाई, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। अगर आपको परमानेंट होना है तो उधर ही जाना होगा। बाकी इशारे में कह रहा हूं, समझदार इशारा है काफी, क्योंकि अपनी वैचारिक बात हमें कहनी है। ऐसे वक्त में शिक्षा की अहमियत समझने वाले नेता का नाम है कर्पूरी ठाकुर। और दूसरा फैसला वही मुंगेरी लाल कमीशन बनाया। जब मुख्यमंत्री बने, मुंगेरी लाल कमीशन को जो रिकमेंडेशन थी उसको लागू कर दिया। बिहार के सदन में वर्चस्व किन लोगों का था, वहां चुटकुले सुनाए गए और एक स्लोगन ऐसा रेज किया गया जो मुहावरे में चलने लगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सुना होगा आप सबने, ये किस्सा वहां से था, अपमान करने का चला आ रहा था और लोगों को लग रहा था ये सब हो नहीं पाएगा, कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, कोई कुछ कर नहीं सकता, इतना हिम्मत किस में है। वो हिम्मत दिखाई कर्पूरी ठाकुर जी ने, जब उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन मंडल कमीशन भी बना भी नहीं था उसके पहले लागू कर दिया। वो क्रांतिकारी काम था। उसके बाद शुरू होता है आजाद भारत का एक ऐसा चैप्टर जो आजाद भारत में पहली बार हो रहा था। एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसे जनता ने वोट देकर चुना था, उस मुख्यमंत्री के लिए सीधे मां बहन की गालियां देना शुरुआत हो गई। आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां, उसके आगे मैं बोल नहीं सकता और लोग नारे लगा रहे थे जोर जोर से। आरक्षण कैसे, कर्पूरी की मां को गाली। अब आगे भारत को सुनिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, ना ये सतयुग की बात है, ना त्रेता की, ना द्वापर की, यह कलयुग की बात है और ठीक आज से 6 दशक पहले की बात है। एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे, किसने नारा दिया होगा ये? कल्पना करके देखिए, जो आज हिंदू धर्म की बात करते हैं, क्या उसके बाहर का कोई व्यक्ति गाली दिया होगा? मैं एक सवाल जान, मेरी भी इच्छा है जानने की कि कर्पूरी को बांस करने का नारा किस धर्म के लोगों ने दिया, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, वो कौन लोग थे जो इस तरह का नारा देने के बाद जातिगत नारा दे रहे थे, कर 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 पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस्तरा। उस्तरे का मतलब क्या था? वही जो अभी भाटी साहब सुना रहे थे, नई शिक्षा नीति कहती है। और यह मैं आपको एक चीज और जोड़ दूं, दुनिया कोविड से लड़ रही थी और हमारे यहां आपदा में अवसर जब ढूंढा जा रहा था तो 3 कानून पास हुए थे, किसान कानून, किसान सुधार कानून, श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति। उस नई शिक्षा नीति को लॉन्च करते हुए देश के पीएम ने लाइव बोला था, आज भी गूगल करके आप सुन सकते हैं, कि हम चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो, कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, लोहार का बेटा लोहार बने, नाई बने, उस पूरे भाषण का सेंस यही था। और उसका मोटिव यही है कि स्किल जिनके पास है उनको हम डेवलप करेंगे। तो उस तरह पकड़ने की स्किल नाई के पास है तो नाई का बेटा नाई बने, इसलिए गाली दी गई कर कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। एक बात बताइए, कर्पूरी को गरीबी के नाम पर जाति गाली दी गई या उनकी जाति देखकर गाली दी गई? और जाति देखकर गाली देने वाले लोग किस धर्म के थे, कौन से लोग थे, कहीं उनका रिश्ता उनसे तो नहीं जुड़ रहा जो आज उन्हें भारत रत्न देने के बाद खुशियां मनाकर लेख लिख रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं बस। और पूरे आजाद भारत में आज तक ऐसी गालियां चुने हुए नेता को किसी को दी गई हो तो बताइए। यह अलग बात है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने किसी चुनावी भाषण में अपनी गालियों को गिनकर नहीं बताया कि मुझे 90 बार गालियां दी गई, तौल के भी बताया रोज 2.5 किलो गाली खाता हूं, कहीं नहीं बोला कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर ने उसकी प्रतिक्रिया में नारे लगाए कि कदम कदम पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, और सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और वो सारे नारे कर्पूरी ठाकुर ने लगाए, पढ़ने के नारे लगाए, लड़ने के नारे लगाए। कर्पूरी ठाकुर कभी रोए नहीं कि हमारा अपमान हुआ, लेकिन हां, कर्पूरी ठाकुर होना बहुत मुश्किल से कोई पैदा होता है। सदियों में से विचारधारा जब तप कर निकलती है
तो कोई व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर बनता है, कोई व्यक्ति लालू मुलायम बनता है, कोई व्यक्ति वीपी सिंह मंडल कमीशन को लागू करने वाला नायक बनता है। और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा गाली दी गई तो राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है से आगे बढ़कर राजा नहीं रंक है देश का कलंक है, वो गाली सुनने वाले नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। बाकी भी बहुत सारी गालियां दी गई। तो इस इतिहास को कम से कम अब इस देश में एक बार शोध करके पढ़ा जाए। क्या किया था कर्पूरी ठाकुर ने? किसी की जगह जमीन हड़प ली थी क्या? अपना पैसा किसी और को लुटा दिया? कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनको पता चला कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। देखिए आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी आंदोलन जब जब मजबूत होगा तब तब धर्म खतरे में होगा, इस वाले वाक्य से मैं भाटी साहब के सहमत हूं। लेकिन यह भी कह रहा हूं जब जब आंदोलन मजबूत होगा तब तब कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने आएगा तो सबसे पहला काम अपनी जाति बताएगा, कोई राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो उसकी जाति बताई जाएगी, मंत्री की जात बताई जाएगी, और जब जाति जनगणना का सवाल आएगा तो कहा जाएगा जाति तो केवल गरीब और अमीर की होती है और तो कोई जाति नहीं होती। यह सबसे बड़ा विडंबना और विरोधाभास है। आज कम से कम कर्पूरी ठाकुर की अहमियत आपने समझ ली तो कर्पूरी ठाकुर के विचार पर बात कब शुरू होगी? उस सामाजिक न्याय के विचार जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय दोनों को अलग बांट के रखा गया। और हम समाजवादी लोग साफ तौर पर कहते हैं जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी। एक बार इस देश में जातिगत गणना तो हो जाए। अगर कर्पूरी ठाकुर बिहार में इतनी क्रांतिकारी अलख न जगाए होते तो बिहार सरकार 1931 के बाद पहली सरकार न बनती जो आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना भी करा ले, उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दे, और आज आजाद भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण कहीं लागू है तो बिहार में लागू है। इसके लिए हम पूरे बिहार सरकार को बधाई देते हैं और उसकी उसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने की। और जाति जनगणना से क्या लाभ हो गए तो बिहार ने आपको बता दिया। जाति जनगणना का अर्थ केवल जातियों को गिनना नहीं है, जातियों को गिनने के साथ यह भी पता चलेगा कि किनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपया अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि हर सर के ऊपर एक छत हो। जाति जनगणना से सबका लाभ है। 25% गरीब संवर्ण का भी लाभ होगा कि नहीं, और यह घर बनाने वाला पैसा उनको भी मिलेगा कि नहीं, यह है जाति जनगणना की सच्चाई। जाति जनगणना यह कहती है कि अगर किसी के पास जमीन का एक टुकड़ा नहीं है तो 5 डेसिमल जमीन उसे देने का काम बिहार सरकार शुरू करने जा रही है। इसलिए रोज बिहार सरकार खबरों में है कि आज वहां सरकार गिर गई कि कल गिर गई। मीडिया वाले वहीं बैठे रहते हैं, भाई लगता है आपके गठबंधन में भाटी साहब बैठे हुए हैं पार्टी में, लगता है उत्तर प्रदेश में भी सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आप लोग टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, और वहां जाकर के रोज बिहार में यही होता है। कोई ये नहीं पूछता कि उनकी तरफ तो 38 लोग गठबंधन में, उधर सीट बंटवारा फाइनल हो गया क्या? लेकिन मीडिया को चूंकि एक एजेंडा दिया गया है कि बिहार ने जो क्रांतिकारी सामाजिक न्याय का काम किया उस पर चर्चा न हो तो वो बार बार ध्यान भटकाने के लिए गलत तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। वरना इस देश में उस दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि जाति जनगणना तो पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल होगा क्योंकि वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय तीनों करता है। 63% आबादी पता चली पिछड़े वर्ग की, और उनमें आज भी इस देश के प्रधानमंत्री को यह बात कहनी चाहिए, रोड़ी कमीशन बना है और हम तो कहते हैं कि इस तरह का डेटा पब्लिक डोमेन में आ जाए, लेटेस्ट डेटा हो, जाति जनगणना के बाद के आंकड़े हो, और जिस जिस जाति का हिस्सा जितना जितना बनता है उन सारी जातियों को उतना हिस्सा मिल जाए। इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर ने करके दिखाया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने 3% अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया था, फिर भी उन्हें गाली मिली, आरक्षण कहां से आई? और एक खजूर पर गाली बनी थी उसे मैं यहां बोल भी नहीं सकता, खजूर के प्रतीक के साथ वो गाली बनी थी, और किसके लिए? कर्पूरी ठाकुर चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए। तो इसलिए इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस बात से नहीं लिखा जाएगा कि 10 लाख का सूट, 2.5 लाख का चश्मा, 8,800 करोड़ का घर, गाड़ी और हवाई जहाज, इससे कोई महान नहीं बनता। घर जब जब मुख्यमंत्री रहने के बाद भी रुखसत किया तो अकाउंट में पैसे नहीं, पक्का मकान नहीं, फिर भी गाली खाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा।
उससे इतिहास बनता है, वो विचारधारा का इतिहास होता है। और इसलिए हम ज्यादा बातें न करके केवल एक ही बात पर फोकस करना चाहते हैं, और वो बात केवल इतनी है कि कर्पूरी ठाकुर को याद करना एक व्यक्ति को याद करना नहीं है, कर्पूरी ठाकुर को याद करना उस समाजवादी आंदोलन को याद करना है जिस समाजवादी आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर जी खुद लड़ाई लड़ गए थे। अपने सोशलिस्ट पार्टी की एक बार सरकार नहीं बन गई, बनी। एक किस्सा आपको छोटा सा सुना देता हूं, क्योंकि सरकार जब बनने गई तो एक अपर कास्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया गया। कर्पूरी ठाकुर ने मीटिंग में खड़ा होकर पूछा कि भैया सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, ये केवल नारे में रहेगा या आपके काम में भी दिखेगा? गलती मानी सोशलिस्ट लोगों ने, और उसके बाद एक बाकी जितने आबादी के लोग थे उनमें के बीच से एक व्यक्ति को आगे किया गया। उसी सोशलिस्ट पार्टी में इस बात के लिए विवाद होता था कि हमारे नारे हमारे काम से दिखने चाहिए। उन नारों में एक समय ऐसा नहीं था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वो जो सब पूछ रहे हैं कि हमारी हमारी संख्या कितनी है, तो इस पर कहें कि जाति जनगणना नहीं होगी। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ाई इतनी महंगी कर दीजिए कि अब इंडिया न पढ़ेगा, न सवाल पूछेगा, न आगे बढ़ेगा। इसलिए अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। यानी तय हो गया कि अगले 5 साल भी इससे ऊपर तो नहीं उठ पाओगे कि 5 किलो अनाज भी अपने दम पर खरीद सको। घोषणा कुछ और हो रही है, टेलीविजन चैनल का कैमरा किसी और दिशा में आपको दिखा रहा है। आज हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब कल परसों से आपको क्या नहीं पता इस देश में कितनी जगह पर मारपीट की घटनाएं हो रही है? क्या इस देश को दूसरे दिशा के सांप्रदायिक दिशा में नहीं ले जाया जा रहा? जबकि देश का सवाल क्या होना चाहिए? शिक्षा और रोजगार का सवाल होना चाहिए, कलम और किताब का सवाल होना चाहिए, नौकरी का सवाल होना चाहिए, हिस्सेदारी का सवाल होना चाहिए, स्वाभिमान सम्मान का सवाल होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्हें पता चला कि आपके पिता से किसी का झगड़ा हो गया और उनका अपमान हो गया है। डीएम को पता चला कि भाई मुख्यमंत्री के पिता हैं, डीएम ने बड़ी कार्रवाई कर दी। कर्पूरी ठाकुर जी को पता चला, उन्होंने डीएम से कहा कि उतना ही करना जितना किसी और के बाप के साथ करते, भूल जाना कि मुख्यमंत्री के बाप थे। ये है कर्पूरी ठाकुर होने का मतलब। और एक एक नाम मैं ले रहा हूं, डिगर डोम का, पटना में लाठी चार्ज हो गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और एक डोम जाति का एक व्यक्ति उस लाठी चार्ज में मारा गया। कोई मुख्यमंत्री कोई अपने पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है, वो कुछ दूसरे डिप्लोमेटिक भाषा में बोलता है। कर्पूरी ठाकुर उस अधिकारी को सस्पेंड करते हैं और लाठी चार्ज में जो मारा गया उसके जहां अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पहुंचकर खुद मुखाग्नि देते हैं और ये कहते हैं कि इनकी गलती का मेरे ऊपर क्रेडिट जाना चाहिए और जो हरजाना होगा वो मुख्यमंत्री का होगा। वो दौर अलग था कि ट्रेन पलट जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे, अब तो कुछ भी पलट जाए इस्तीफा लेना भूल जाइए। अब देश बदल चुका है, नए भारत में आपका स्वागत है। और इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं 6 दशक पहले के भारत और 6 दशक बाद के आज के भारत की एक छोटी सी तुलना पेश कर सकूं। वो लड़ाई जो बड़ी मुश्किल से लड़ी गई थी आज यहां पर कहीं और किसी दिशा में ढकेली जा रही। बहुत सारे हमारे दलित पिछड़े भी अपनी अपनी झोपड़ी का भाग खुलाने बैठे थे, यह भी सच्चाई है। उन्हें पता ही नहीं कि उनके झोपड़ी के भाग कर्पूरी ठाकुर फूले अंबेडकर पेरियार से खुलेंगे, भारत के संविधान और मंडल कमीशन से खुलेंगे, क्योंकि जब यह नहीं था तो उनकी झोपड़ी में कोई उजाला नहीं था। यह संविधान ने उजाला दिया, कलम और किताब ने रोशनी पहुंचाई है। और मैं चाहता हूं कि इस बात को अब एक विमर्श के रूप में पूरे देश में ले चला जाए। व्यक्तियों को भारत रत्न देने से उनका ओहदा या सम्मान नहीं बढ़ता, उनके विचारों का भारत बनाने से उनको सम्मान मिलेगा। जिस दिन कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनेगा उस दिन उनका सबसे बड़ा सम्मान होगा। यही बात कहके मैं एक बार फिर से समाजवादी छात्र सभा के जेएनयू इकाई के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।